दुनिया के सात सबसे सस्ते देश, वहाँ जाकर आप खुद को करोड़पति जैसा फील करोगे। मतलब कि यहाँ की करेंसी रेट इतनी कम है कि आप 100 रुपए में अपनी रातें रंगीन और दिन सुहाने बना सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर दे, फिर चलिए मेरे साथ चलते हैं उन देशों में जहाँ कुछ ही पैसे में आप घूम के वापस आ सकते हो। नंबर एक पर है वियतनाम। दोस्तों वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया में बसा एक शांतिप्रिय देश है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ की संस्कृति सैलानियों को खूब लुभाती है। इसके अलावा वियतनाम में ऐसे कई ऐतिहासिक स्थल और ढेरों पर्यटन स्थल है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि आज भारत के 1 रुपए की कीमत वियतनाम में 300 वियतनामीज डोंग है। मतलब कि अगर आप 1 लाख रुपए लेकर जाते हैं तो वहाँ जाकर इसकी कीमत बन जाती है लगभग 3 करोड़ वियतनामीज डोंग। नंबर दो, इंडोनेशिया। दोस्तों इंडोनेशिया को द्वीपों का देश भी कहा जाता है। मतलब कि यहाँ इतने द्वीप हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। यह दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है और यहाँ भी भारतीय रुपए के जलवे हैं। यकीन मानिए तो आप भी बहुत कम पैसों में इंडोनेशिया की यात्रा कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, इंडोनेशिया में एक भारतीय रुपए की कीमत 188 इंडोनेशियन रुपया के बराबर है। और दोस्तों रुपयों की इसी मजबूती के कारण आपकी इंडोनेशिया की यात्रा बहुत सस्ते में निपट सकती है। नंबर तीन, लाओस। दोस्तों लाओस एक ऐसा देश है जिसे हजारों हाथियों की भूमि भी कहा जाता है। आपको बता दें ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है जो दक्षिण पूर्व एशिया में बसा हुआ है। इस देश की सबसे खास बात तो ये है कि यह अपनी मेकांग नदी और पहाड़ों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। दोस्तों लाओस में भारत के 1 रुपए की कीमत 157 लाओ किप के बराबर है, यानी हर 1 रुपए वहाँ जाकर 157 गुना हो जाता है। नंबर चार, पैराग्वे। दोस्तों साउथ अमेरिका में स्थित ये देश बेहद खूबसूरत है। ये दुनिया के उन चंद देशों में से एक है जिसकी सीमाएं समुद्र को नहीं छूती, यानी ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि पैराग्वे में एक भारतीय रुपए की कीमत 90.69 पैराग्वियन गोरानी के बराबर है, यानी इस देश में भारत का 1 रुपया 90 गुना ज्यादा मजबूत है। नंबर पाँच, कंबोडिया। दोस्तों कंबोडिया साउथ ईस्ट एशिया में बसा एक देश है जिससे पहले कभी कंपूचिया के नाम से जाना जाता था। साथ ही कंबोडिया अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ ऐतिहासिक स्थलों के लिए भी जाना जाता है। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध अंकुर वाट मंदिर, जो एक हिंदू मंदिर है, वो कंबोडिया में ही मौजूद है। दोस्तों कंबोडिया में हमारे भारत के 1 रुपए की कीमत 53.45 कंबोडियन रियल के बराबर है, यानी कंबोडिया में जाकर भारत का 1000 रुपया लगभग 53,000 हो जाता है। नंबर छह, युगांडा। दोस्तों युगांडा में जो मुद्रा चलती है उसे युगांडन सीलिंग कहा जाता है। ये देश पूर्वी अफ्रीका में बसा एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी ये देश चारों ओर से जमीनी सीमा में घिरा हुआ है। और दोस्तों इस देश में भारत के 1 रुपए की वैल्यू 46.53 युगांडन सीलिंग के बराबर है, यानी यहाँ हर 1 रुपया 46 गुना हो जाता है। नंबर सात, मंगोलिया। दोस्तों ये देश पूर्व और मध्य एशिया में स्थित एक लैंडलॉक कंट्री है। इस देश की गिनती दुनिया के उन देशों में होती है जहाँ की आबादी सबसे कम है, लेकिन शायद आपको ये बताना होगा, मंगोलिया का गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। साथ ही ये देश प्राकृतिक चमत्कारों से भरी पड़ी है। आपको बता दें इस देश में मंगोलियन टोकरिक चलता है और यहाँ भारत का 1 रुपया 39 मंगोलियन टुकड़ी के बराबर है, यानी 1 रुपए यहाँ जाकर 39 गुना हो जाता है।